दिवाळीनंतर भारतवर्षात साजरा केला जाणारा मोठा सण म्हणजे छठ पूजा. उत्तर भारतीयांच्या वाढत्या वास्तव्यामुळे आता ही पूजा महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर साजरी केली जाऊ लागली आहे. पाहुयात छठ पूजा नेमकं काय ते. आकाशातून दिसणाऱ्या इंद्रायणी नदीचे हे मनोहरी दृश्य आणि इंद्रायणी नदीच्या तीरावर गंगा नदीच्या आरतीप्रमाणे भल्या मोठ्या समयांनी ओवाळत केली जाणारी ही महाआरती, तर दुसरीकडे टाळ मृदुंगांच्या तालावर वारी खेळत असलेल्या हा पावल्या, हा सगळा सोहळा आहे छठ पूजेचा. पूजा का आयोजन तो बहुत भव्य तरीके से किया जा गया है. काशी से महागंगा आरती, इंद्रायणी माता का आरती के लिए काशी से महात्माओं को बुलाया गया है, जो काशी आरती किए हैं उसमें सारे लोग सम्मिलित हुए हैं. हम सब विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. सूर्य देवता की बहन छठ माता सूर्य देवता की बहन है, उनकी आराधना करते हैं. ये आस्था का महापर्व है. इसमें हम सभी अपने लिए सुख समृद्धि शांति का मांगते हैं माता से, कि माता हमें सुख शांति और समृद्धि दें. और हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोगों में जो भी इस देश में या इस विश्व में जो मानवता खो चुकी है, ईमानों के अंदर मानवता का जन्म हो, इंसान के अंदर इंसानियत पैदा हो, क्योंकि हर लोग एक दूसरे से विमुख होते जा रहा है. मैं चाहती हूँ और मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, दुख बांटे और खुशियों में शामिल हो. कोणतीही मूर्ती नाही, कोणत्याही देवतेचे प्रतीक नाही, मग इथे पूजा तरी कशाची होते असा प्रश्न अनेकांना पडतो. तर ही पूजा आहे मावळत्या आणि उगवत्या सूर्याची, सृष्टीतल्या पंचतत्वाची पूजा, ज्याला आपण निसर्ग पूजा म्हणू शकतो. मात्र याहून खास बाब म्हणजे या पूजेचा मान असतो फक्त स्त्रियांचा, आणि त्यामुळे या पूजेमार्फत बेटी बचावचा महत्वपूर्ण संदेशही दिला जातोय. शिवाय ही पूजा महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीत साजरी करतायत याचा आनंद व्यक्त करत असताना उत्तर भारतीयांनी महाराष्ट्राचे खास आभार मानले आहेत. विश्व में शांति का प्रतीक है, पर्यावरण के संवर्धन के लिए हम इसमें छठ मैया से सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि का सृजन हो सके और सभी लोग पर्यावरण और जो हमारी संस्कृति है उसके संवर्धन के लिए कार्य करें. आज हमने यहाँ पर छठ माता के चरणों में ये कहा है कि हे माता विश्व में शांति दें, क्योंकि ये सूर्य ऐसे देव हैं जो सबको प्रकाश देते हैं, और ये हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो धारा है उसको विश्व के कोने कोने तक लेके जाएं और छठ मैया सब की कृपा प्रदान करें. छठ पूजा एक वैश्विक पूजा है, एक महापर्व है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है. आज हम महाराष्ट्र में मना रहे हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे हम इस छठ पूजा को मनाते हैं और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं. चाहे किसी भी प्रांत के लोग हो, इसमें शामिल होकर छठ मैया से प्रार्थना करते हैं और संसार की एकजुटता के लिए छठ माता के चरणों में वंदन करते हैं. खरं तर निसर्ग हा सर्व शक्तिमान आहे हे मान्य करत छठ पूजेच्या निमित्ताने अशा निसर्गाची उपासना करण्याचा हा सोहळा केवळ अद्भुत आणि भारावून टाकणार आहे यात काही शंका नाही.